हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे कंसीलर लेंगे। उससे पहले मैंने रोज़ गोल्ड जीवा ऑयल लिया था स्किन को प्रेप करने के लिए। कंसीलर नॉर्मल वही सब जगह लगाएंगे जिस तरह से हम लोग लगाते आए हैं अपने पिछले वीडियोस में। किस तरह से लगाना है ये सब आपको मैंने एक वीडियो में दिखाया था। प्लीज़ चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसमें काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है कि किस तरह से आपको कंसीलर लगाना है, किस तरह से सेट करना है अपना फेस। जहाँ जहाँ पे डार्क सर्कल्स हों या जहाँ पे डार्कनेस हो फेस पे, वहाँ पे आप लगा के इसको ब्लेंड कर लीजिए अच्छे से ब्रश से। मुझे ब्रश ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है इसलिए मैं ब्रश ही यूज़ करती हूँ। उसके बाद इसको सेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेट नहीं करेंगे तो क्रीजेस पड़ जाएंगे और अच्छा नहीं लगेगा, फेस केकी लगेगा। तो इसको हमेशा सेट कर लीजिए कंसीलर लगाने के बाद। मैंने फाउंडेशन यूज़ नहीं किया है बिकॉज फाउंडेशन प्लस कंसीलर कुछ ज़्यादा हैवी लुक हो जाता है, उतना ज़्यादा ग्लैम लुक नहीं चाहिए था। बट हाँ, पिंकी ग्लैम लुक चाहिए है। उसके बाद आईब्रो सेट कर लेंगे ब्राउन कलर से, किसी भी आई पैलेट का डार्क ब्राउन कलर या जो भी कलर आपकी आईब्रोज का है उनको देख के लेके उसको सेट कर लेंगे। और अब ये रेवोल्यूशन का मेकअप रेवोल्यूशन का आई पैलेट ले रही हूँ मैं, एंजल्स वाला। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, प्लीज़ डू चेक आउट। एंड ये वाला कलर लेके, ब्राउन कलर है ये, ब्राउन शाइनी कलर, इसको एकदम साइड में लगाएंगे और अच्छे से ब्लेंड करेंगे क्रीज पे लगा के। ये हम लोगों का ट्रांजिशन कलर होगा। उसके बाद ये नेक्स्ट पिंक कलर ले रही हूँ मैं, ब्राइट पिंक कलर, और इसको एक फ्लैट ब्रश पे लूँगी और इसको इनर कॉर्नर से लेते हुए ऊपर तक इसको शेप देते हुए कलर लगाएंगे। ध्यान रखिएगा कि जो इनर कॉर्नर है उससे ऊपर तक शेड सही से आए, लाइन क्रोकेड ना हो, टेढ़ी ना हो, अच्छी नहीं लगेगी। हमेशा एक बड़ा मिरर लेके उसको चेक करते रहिए। एंड देन ये पिंकी कलर है, थोड़ा सा इसमें शाइन है, ये इसी जो मैट कलर है पिंक इसके ऊपर ही हम लोग इसको प्लेस करेंगे ताकि ये काफ़ी अच्छा सा शाइन दे हमारे आई शेडो को। और ये जब हो जाएगा तो हम लोग ये वाला एक ब्रश लेंगे, आई ब्रश, जो टेपरिंग आई ब्रश है, इसमें से ये डार्क पिंक कलर लेंगे और इसको क्रीज पे अगेन बफ करेंगे जिस तरह से हम लोगों ने ब्राउन कलर लगाया था, प्लेस किया था, उसी जगह पे ये डार्क पिंक कलर प्लेस करेंगे। ताकि ये डार्क इफेक्ट आए और थोड़ी सी डेप्थ मिले अपने आई मेकअप को। उसके बाद मैं ले रही हूँ ये ब्लू हेवन का सिल्वर आईलाइनर। इस आईलाइनर को मैं आई शेडो की तरह हाफ आई पे यूज़ करूँगी। पहले तो इनर कॉर्नर से लेते हुए अपर मोशन में, अपर अपवर्ड मोशन में इसको लगाएंगे, जैसे कि हाफ सी होता है उस शेप में। इसको प्लेस करने के बाद मैं एक ब्रश लूँगी, कोई सा भी स्मॉल ब्रश ले सकते हैं आप, और इसको ब्लेंड करेंगे जो हम लोगों ने सिल्वर लगाया था ब्लू हेवन का आईलाइनर, उसी को हम लोग स्प्रेड कर देंगे। ध्यान रखिएगा ये सिर्फ जो हाफ आई शेडो है, जहाँ तक पिंक शेड है बस वहाँ तक ही इसको लगाएंगे, क्योंकि हम लोगों को पिंक शेड में थोड़ा सा शाइन देना था क्योंकि ये ग्लैम लुक है, पार्टी लुक है। एंड जो डार्क पिंक कलर हम लोगों ने लिया था
उसको फिर से जो आउटर पोर्शन है ऑफ द आई शेडो, जहाँ पे ब्राउन और डार्क ब्राउन शेड डाला था, उसको फिर से लगा के ब्लेंड करेंगे एंड देन ये वाला कलर लेंगे। कोई सा भी शाइनी कलर, लाइट कलर आप लेके उसको इनर कॉर्नर्स पे प्लेस करिए। एक स्मॉल ब्रश आता है इनर कॉर्नर का, उस पर आप इसको अमाउंट को लेके एंड इसको प्लेस करिए इनर कॉर्नर्स पे। कोई शाइनी कलर, लाइट कलर लगाने से आईज बहुत अच्छी लगती हैं। ओके, सो ये डार्क पिंक कलर जो है इसको मैं फ्लैट शेडर ब्रश पे लूँगी एंड इसको लोअर लैश लाइन पे लगाऊंगी कलर। ऐसा करने से आपका जो आई मेकअप है वो कंप्लीट लगता है। ऊपर का जो आईलिट का जो होता है कलर, उससे मैच करता हुआ या कंट्रास्ट आप आईलिट पे लोअर लैश लाइन पे ज़रूर लगाइए। एंड देन ये स्टेक वर्की का आईलाइनर ले रही हूँ मैं। मैं ज़्यादा कोई विंग लाइन ड्रॉ नहीं करूँगी, नॉर्मल सा आईलाइनर है जिसको मैंने लिया है। एंड देन जो भी आईलाइनर आपका बाहर निकल जाता है या क्रूकेड लगता है उसको हम लोग साफ करेंगे। क्लीन करने के लिए ये कंसीलर लिया है मैंने फ्लैट शेडर ब्रश पे, किसी भी फ्लैट शेडर ब्रश पे आप ले सकते हैं और उसको क्लीन कर सकते हैं ताकि एक क्लीन इफेक्ट आए। एंड देन ये लोटस का मस्कारा ले रही हूँ मैं, उससे अच्छे से अपने आईलैशेस को कोट करेंगे, अपर आईलैश एंड लोअर आईलैश। अच्छे से कोट करने के बाद, मैंने ब्रॉन्जिंग नहीं की थी फेस की तो मैं ये ब्रॉन्जर ले रही हूँ शुगर का या कॉन्टोरिंग पे मैंने एक वीडियो डाला हुआ है अपने चैनल पे, प्लीज़ चेकआउट करिएगा। प्लीज़ गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेकआउट। हमेशा फेस को इस तरह से करके एंड जो ईयर के पास का जो फेस एरिया होता है उससे लाइन ड्रॉ करते हुए जहाँ तक आपकी आई है, हाफ आई तक लाइन ड्रॉ करेंगे जो हॉलोज ऑफ द फेस होते हैं, ताकि फेस को शेप मिले। एंड देन जॉ लाइन पे एंड देन नोज के लिए इस तरह से स्क्वीज करके आप लगा सकते हैं या कोई स्मॉल ब्रश ले सकते हैं। देन ये जो पिंक कलर है, जो मैंने ब्राइट पिंक कलर लिया था, उसी को थोड़ा सा इस ब्लश वाले ब्रश पे लेके और इसको ब्लश लगाएंगे। एंड देन ये फैन ब्रश लेके, स्विस ब्यूटी का ले रही हूँ मैं ये हाइलाइटर, मुझे काफ़ी पसंद है ये हाइलाइटर, बहुत ही रीजनेबल है और बहुत ही अच्छा शाइन भी देता है। और इसमें 4 या 5 हाइलाइटर आते हैं, बेक्ड हाइलाइटर्स हैं ये, इसका भी लिंक मैं दे दूँगी, प्लीज़ चेकआउट करिएगा इफ़ यू वॉन्ट टू परचेज। एंड द नेक्स्ट वन, द लास्ट थिंग विच इज़, दिस इज़ नाइका की पिंक शेड की लिपस्टिक है, इसका भी मैं आपको लिंक दे दूँगी। बहुत ही प्यारा शेड है गाइज, जस्ट लुक एट दिस कलर, सो नाइस। ओके, सो ये मेरा फाइनल लुक है गाइज, आई होप यू आर गोइंग टू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, बाई।